प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को बहुत दिन के बाद जूम मीटिंग में शामिल होने का अवसर मिला और सवाल भी ऐसा पूछ रहा हूँ कि इसमें बहुत सारे सुंदर साथ को आपत्ति हो सकती है, लेकिन अध्यात्म के दृष्टिकोण से ये सवाल बहुत ही मायने रखता है, इसलिए मैं पूछने जा रहा हूँ। बहुत दिनों से मेरे मन में ये प्रश्न आ रहा था लेकिन पूछा नहीं था, और पिछले सप्ताह पूछना चाहता था तो किसी कारण से मैं जुड़ नहीं पाया। प्रश्न ये है कि जैसे बहुत सारे सुंदर साथ हैं जिनके घर में ना मतलब आय स्रोत के रूप में दुकानें हैं, और कोई आय स्रोत के रूप में किसी की होटल है, और कोई किसी तरह से मतलब अलग अलग प्रोफेशन अलग अलग व्यवसाय में काम करते हैं। अब समस्याएं हर प्रोफेशन में है, ये एक प्रैक्टिकल सवाल है, ये ध्यान चितवनी से संबंधित नहीं है लेकिन ये भी चितवनी में सहायक है। जैसे किसी की दुकान है और दुकान में सुंदर साथ, वैसे तो हम बीतक के आधार पर वाणी के आधार पर कहते हैं कि पीना तंबाकू छोड़ दो मांस मछली सब ऐसा, लेकिन हम अपनी दुकानों में तंबाकू या तंबाकू जन्य जो प्रोडक्ट होते हैं उत्पाद, चाहे वो सिगरेट हो चाहे गुटखा हो चाहे खैनी हो, इस तरह की चीजें दुकानों में, अगर सुंदर साथ की भी दुकान है तो वो दुकानों में बेचते जरूर हैं। इसी तरह से बहुत सारे चिप्स या बहुत सारे चॉकलेट्स के आइटम में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसमें मांसाहार से संबंधित कोई चीज, चाहे कोई चर्बी हो या कोई ऐसी चीजें पड़ी होती है, जिसकी वजह से ऐसे प्रोडक्ट पे वो रेड जो सर्कल है रेड साइन बना होता है। अब जैसे चाहे वो केक हो, तो अब ऐसे में सुंदर साथ कई बार कहते हैं कि हम खुद खाते तो नहीं है, जबकि हम दूसरी तरफ कहते हैं कि सिर्फ खाने वाले को पाप नहीं लगता है, चाहे वो पकाने वाला हो परोसने वाला हो बेचने वाला हो खरीदने वाला हो, सबको बराबर पाप लगता है। तो ऐसी अवस्था में मतलब हमें क्या करना चाहिए, इसका समाधान क्या है, एक सवाल ये है। और इसी के साथ जुड़ा हुआ एक सवाल ये भी है कि बहुत सारे सुंदर साथ ऐसे भी हो सकते हैं कई, जो प्रोफेशन के रूप में, जैसे किसी का कसिनो हो सकता है, किसी कोई लॉटरी का काम कर सकता है, ये सारी चीजें नैतिकता के दृष्टि से ठीक नहीं है, लेकिन सुंदर साथ उसको अपना व्यवसाय बनाए हुए हैं। कुछ ऐसे होंगे जो स्कूल में टीचर होंगे, अथवा मान लीजिए कि कोई टीचर हैं जो अपने स्कूल में मैनेजमेंट पढ़ाते हैं या होटल मैनेजमेंट वगैरह पढ़ाते हैं। अब होटल मैनेजमेंट में फिर बच्चों को ऐसी अवस्था में क्या होता है कि जैसे बाहर के विदेशी होटल का जो कल्चर है उसको लेकर के, कि जैसे विदेश में शराब वगैरह पिलाई जाती है तो शराब वगैरह कैसे परोसना है, लीकर सर्विंग कैसे करनी, उसकी भी ट्रेनिंग दी जाती है। अब हम एक तरफ कहते कुछ और हैं और हम दूसरों को फिर जो चीज हम मना करते हैं उसके लिए परोक्ष रूप से प्रेरित कर रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में हमें क्या करना चाहिए, एक सवाल ये है। और साथ में समस्या में एक और सुनाना चाह रहा हूँ, जैसे किसी सुंदर साथ के यहाँ दुकान है और दुकान में ये सारी चीजें बेचते हैं, अब हम ऐसे जगह पर, क्योंकि हर सुंदर साथ चाहता है कि हमारे यहाँ कार्यक्रम हो, नए लोग जुड़े, अब नए लोगों के बीच में मान लीजिए कि मैं चर्चा करने के लिए आया, कोई भी व्यक्ति चर्चा करने के लिए आया, और हम मान लीजिए मांसाहार के विषय में तंबाकू के विषय में कहें, मान लीजिए बीतक का समय आ रहा है, भैरव सेठ का प्रसंग आता है, भैरव सेठ के प्रसंग में हम इसको बहुत अच्छी तरह से व्याख्या करते हैं, और ऐसे समय में कोई व्यक्ति ये आरोप लगाए कि आप खुद तो मना करते हैं लेकिन आप ही के लोग तो बेचते हैं, आप ही के सुंदर साथ बेचते हैं, तो उनको गुनाह नहीं लगता है, तो ऐसे समय में हम निरुत्तर हो जाएंगे, हमारे पास कोई जवाब नहीं रहेगा। तो पूज्य स्वामी जी से मेरा आग्रह है कि इस समस्या का, ये सिर्फ प्रश्न नहीं एक समस्या है, इस समस्या का समाधान कैसे करें, हम सभी सुंदर साथ के बीच में इसका समाधान रखें। एक कसाई से किसी ने पूछा था कि जब तुम बकरों को काटते हो तो क्या तुम्हें दया नहीं आती। कसाई ने उत्तर दिया कि दया तो हमें भी आती है, हमारा भी इंसान का दिल है, लेकिन इस पापी पेट का सवाल है हम विवश है करने के लिए। वो तो एक सामान्य मानव था, वो अपने सामान्य उत्तर दे करके संतुष्ट हो गया। किंतु यदि हम धर्म की कसौटी पर देखें, चाणक्य ने क्या कहा है, जो धर्म पूर्वक अर्थ पैदा होता है वही वास्तव में अर्थ है, अधर्म से पैदा होने वाला अर्थ अर्थ नहीं है, वो अनर्थ होता है। हम तात्कालिक लाभ के लिए ऐसा कर सकते हैं कि शराब भी बेच सकते हैं, मांस भी बेच सकते हैं, तंबाकू भी बेच सकते हैं, किंतु हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि इसका परिणाम क्या हो रहा है। देखिए, चाहे हम मांस खाएं या खिलाएं,
या उसमें सहयोगी बने, जानवर को बेचें, मांस को बेचें, भले ही हम नहीं खाते हैं तो क्या, खिलाते तो हैं, पकाते तो हैं, तो किसी न किसी रूप से हम उस हिंसा में सहभागी होते हैं। हम शराब पिए चाहे न पिए, यदि हम शराब बेचते हैं तो भी उसमें हम सहभागी हैं, तो हम किसी न किसी रूप से पाप के भागी हैं। जहां राष्ट्रीयता की बात आती है, एक मैं आपको इतिहास का उदाहरण दूं। मानसिंह की संधि हुई थी अकबर के साथ कि हिंदू राजाओं पर आक्रमण करो, जो भी राजा हारेगा उसका खजाना तुम्हारा रहेगा और झंडा फहरेगा अकबर का। तो मानसिंह ने यही किया, हिंदू राजाओं को जीत जीत करके सब कुछ अकबर के हवाले कर दिया और खजाना अपने घर भर लिया। जानते हैं इतिहास में ये बातें तो शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि जयपुर राजघराने के एक राजा थे, उनका नाम ध्यान में नहीं आ रहा है, उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर उस खजाने को चुपके से देखा और उनके मन में ये आया कि हम उस खजाने को स्विस बैंक में जमा कर दें। तीन जहाज पर लाद करके वो सोना जा रहा था, उसी राजघराने के एक व्यक्ति ने मुझे बताया ये घटना। एक जहाज तो डूब गया, तूफान आ गया, एक जहाज किसी तरह से पहुंचा और एक जहाज को डकैतों ने या किसने कब्जा कर लिया। तीन जहाज में से दो तो डूब गए और जो एक जहाज स्विस बैंक में जमा है उसको भी पूरी तरह से निकाल नहीं सकते। कहने का तात्पर्य क्या है, हम जो देखते हैं कि अनर्थ पूर्वक इतना धन पैदा हो रहा है, ये हमारे काम आएगा, तो ये हमारा भ्रम है, एक लोकोक्ति कही जाती है। कहने में, देखने में, सुनने में बहुत सरल है, लेकिन उसमें बहुत गहरा रस छिपा है। उसमें कहा गया कि पाप से लक्ष्मी घटे कह गए संत कबीर, चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप से लक्ष्मी घटे कह गए संत कबीर। हम किसी भी पाप कर्म के द्वारा अपने घर की अर्थ वृद्धि करना चाहते हैं तो अर्थ हमारे यहाँ ठहरेगा नहीं। यदि हम महिला डॉक्टर हैं और अनैतिक अबार्सन कर करके हम सोचें कि घर में बहुत पैसा इकट्ठा कर लें, कोठियां बना लें, लेकिन क्या होगा परिणाम? इसका परिणाम कभी भी शुभ नहीं होगा, क्योंकि गर्भपात एक जीवित बच्चे की हत्या है। जब गर्भपात किया जाता है तो बच्चा बचना चाहता है, भागना चाहता है, मशीन से उसके टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं और तब गर्भपात करें। तो कुछ पैसे जरूर मिल जाएंगे, लगेगा कि ये पैसा ही चला रहा है, नहीं। देखिए शिष्ट को कौन चला रहा है, सत्येन उत्तभित्ता भूमि, सत्य से पृथ्वी टिकी है, समस्त सृष्टि सत्य से टिकी हुई, धर्म से टिकी हुई, जो सत्य है वही धर्म है और वही परमात्मा है। यदि आप पैसे के लोभ में, जैसे कि मानसिंह ने क्या किया, मानसिंह का भी कहना था कि मैं अपने राज्य की तो रक्षा कर रहा हूं ना, भले ही अकबर से मेल मिलाप कर रहा है, करना पड़ा है, ठीक है कि हमने अपनी आत्मा को गिरवी रख दिया है, मेरी भी आत्मा धिक्कारती है, लेकिन मैं अपने राज्य की रक्षा कर रहा हूं, इससे संतुष्ट हूं, लेकिन वो राष्ट्रद्रोही कहा जाएगा। मानसिंह को कभी भी इतिहास सम्मान पूर्वक याद नहीं करेगा, भले ही वो सोने के महल में रहता होगा, किंतु घास की रोटी खाने वाले राणा प्रताप को सारा विश्व याद करता है। कोरिया के लोगों ने उनसे प्रेरणा ली, सब जगह के सारा विश्व राणा प्रताप से प्रेरणा लेता है कि जिसने घास की रोटी खाकर अपना स्वाभिमान कभी बेचा नहीं। तो हम सोचते हैं कि धन कहीं से भी प्राप्त हो जाए तो हम सुखी हो जाएंगे, ऐसा नहीं। धन आपको साधन दे देगा, आपको मानसिक शांति नहीं देगा। आप डॉक्टर बनकर अनैतिक अबार्सन कराएंगे और धन कमाकर करोड़पति भी बन जाएंगे, तो वो करोड़ों रुपए कभी भी आपको शांति से सोने नहीं देंगे। जब आप निद्र कोमल गद्दों पर सोए होंगे तो आपके सपने में उन बच्चों की चीखें गूंज रही होंगी, जो बच्चे जो एक नया जीवन पा सकते थे, आपने पैसे के लोभ में तो उनको जन्म माता के गर्भ से आने से पहले ही मार दिया। यदि आप मांस भले ही नहीं खाते हैं, किंतु मांस के व्यापार में सहभागी है, मांस पकाने में सहभागी है, तो जब जानवर को काटा जाता होगा तो मांस खाने वाले के रक्त में उसकी एक एक चीख बसी होगी। जहाँ कहीं पाप कर्म होते हैं, वहाँ के वातावरण के एक एक अणु से, परमाणु से उस पाप कर्म की दुर्गंध आती है। इसलिए आप सोच रहे होंगे कि हमें तो गृहस्थी चलानी होती है, हम ऐसा नहीं कर सकते, स्वामी जी तो सन्यासी हैं। तो मैं आपको बता दूं,
आज से 10 वर्ष पहले ज्ञानपीठ के लिए एक ऑफर था बिरला कंपनी की तरफ से, जो बहुत बड़ा मैनेजर था उसने कराया था अपने एक सुंदर सा ट्रस्टी के माध्यम से, कि आपके पास ये टीजी है, हम 4,000 करोड़ रुपये दे रहे हैं और 4,000 करोड़ रुपये में 70% हमें पुनः लौटा दिया जाए, 30% आपका हो जाएगा। तो आप सोचते हैं 4,000 करोड़ में कम से कम कितने करोड़ होते हैं, 30% में आज ज्ञानपीठ एक बहुत बड़े विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हो चुका, 30% हमें मिल जाता 4,000 करोड़, 400 करोड़ में 1,200 करोड़ हमारे पास होते हैं और 1,200 करोड़ में कितना शानदार विश्वविद्यालय होता, जबकि इसके बीच के अंतराल में बहुत आर्थिक परेशानियां झेलनी पड़ी है ज्ञानपीठ को। ये गोपनीय बात है लेकिन जूम में आज बता भी दे रहा हूँ, कई बार ऐसे अवसर है कि ज्ञानपीठ में 10,000 भी क्या 5,000 भी खाते में रुपये नहीं रहा है, फिर भी मैंने कभी धैर्य नहीं खोया, और एक बार नहीं कई कई बार आया। हमें क्या करना था, 2-3 CA की टीम बैठा देते, हेरा फेरी करके 1,000 का सामान 4,000 में बिल बना करके वाउचर ही तो करना था, सब कुछ हो जाता। और बड़ी बड़ी संस्थाएं कर रही हैं, जो आज विश्व प्रसिद्ध संस्थाएं कर रही हैं, मैं नाम क्या लूँ, सबको मालूम है, चाहे राधा स्वामी मत है या जितने बड़ी बड़ी हस्तियां आजकल आ रही हैं, सबके पास नंबर 2 के पैसे आते हैं, ATG का दुरुपयोग होता है। लेकिन मैंने कहा कि ज्ञानपीठ कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं करेगा, वो भूखा रहेगा लेकिन देश के कानून के विपरीत कोई भी कार्य नहीं करेगा। इसमें तो किसी की हिंसा भी नहीं होनी थी, केवल हेरा फेरी करना था और हेरा फेरी हमें नहीं करना था, वो तो CA करते और CA को उनका पारिश्रमिक दे दिया जाता, लेकिन ज्ञानपीठ ने समझौता नहीं किया। यदि 5 पाठ का निछावर होता है तो 6वें का निछावर, 5 पाठ रखे जाते हैं तो 6वें का निछावर भी ज्ञानपीठ स्वीकार नहीं करता। तो हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। हो सकता है यदि आप अपनी दुकान पर तंबाकू ना बेचें, मांस ना बेचें, कैसियों का कार्यक्रम ना करें जिसमें जुआ खेला जाता है, तो आपको कुछ समय के लिए परेशानियां होगी, लेकिन जब समाज को पता चलेगा कि यहाँ पूर्ण रूप से शुद्ध मिलता है तो पहले आपको व्यापार में घाटा जरूर होगा, लेकिन धैर्य रखिए, सत्य के समर्थक भी होते हैं, एक दिन आपकी दुकान चलने लगे। लेकिन व्यवसाय चयन करने से पहले ही आप सोच लीजिए कि इसमें कोई गलत कार्य तो नहीं होता। इसलिए मैंने एक बार फेसबुक पर भी डलवा दिया था कि अमेरिका में जैन सुंदरसाद के होटल में मांस चलता है, शराब चलता है, चलती है, कृपया वो ज्ञानपीठ में सेवा ना भेजे, उनकी सेवा में स्वीकार नहीं, हम जैसे तैसे अपनी व्यवस्था कर लेंगे लेकिन समझौता नहीं। यहाँ तक कि अपने एक ट्रस्टी सुंदरसाद थे, उनको तम्बाकू का व्यवसाय होता था, मैंने कहा कि भाई आप 1,00,000 रुपये जो हर साल देते हैं वो देना बंद कर दीजिए, मुझे नई पैसे चाहिए, लेकिन तंबाकू का व्यापार करके ज्ञानपीठ को 1,00,000 रुपये देते हैं वो हमें स्वीकार नहीं, क्योंकि तंबाकू से जो कैंसर फैल रहा है, कैंसर में मरने वालों की आहें छिपी हैं, उस पाप के पैसे को मुझे नहीं चाहिए। तो कहने का तात्पर्य क्या है, हम कम खर्चे में गुजारा करें, भौतिक सुख संसाधनों से हम अपने मन को शांति नहीं दे सकते, मन को शांति मिलेगी नेक कमाई से, नेक कमाई की सुखी रोटी भी आपको शांति देगी, लेकिन पाप की कमाई से यदि हम 56 भोग भी खाते हैं, सोने के महल में भी रहते हैं, तो हमारा मन शांत नहीं। इसलिए मैं सुंदर साथ से आग्रह करूंगा कि आप देखिए जितने बड़े बड़े उद्योगपति भी हुए हैं वो अपनी सच्चाई से आगे बढ़े, स्मगलिंग करके, चोरी डकैती करके, पाप कर्म करके जो धन होता है वो लंबे समय तक नहीं चलता है। इसलिए अपने पुरुषार्थ पर विश्वास रखिए, सत्य पर विश्वास रखिए, धर्म पर विश्वास रखिए, सच्चाई के साथ चलिए। ये सोचेंगे कि तंबाकू बेच कर रही हम अरबपति तो आप कभी नहीं बन पाएंगे। आप देखिए ना, बकरी पालने वाले कभी अमीर नहीं होते, क्यों कि थोड़े से पैसों के लिए बेचारे उसके बच्चे की जान ले ली जाती है। तो जो बकरी पालता है वो जीवन भर कंगाल ही रहता है, क्योंकि वो कितने जानवरों की गर्दन पर छुरी चलवाता है। पाप कर्म करने वाला कभी धनवान नहीं हो सकता है। कुछ समय के लिए धन आएगा लेकिन वो जैसे पानी का पैसा पानी में चला जाता है वैसे ही वो चला जाएगा। सुंदर साहब को चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, किसी तरह का मांस का व्यापार ना करें, शराब का व्यापार ना करें, जुए का कार्य ना करें, जो वर्जित है उसका हमें भी पालन करना चाहिए। किसी ने हम परेशानी में अवश्य आएंगे कुछ समय के लिए, संसार में बहुत से व्यवसाय पड़े हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप दुकान में मांस ही बेचेंगे तो आपका गुजारा होगा, और भी कुछ बेच सकते हैं जिससे कि आपका काम चल सकता है। मनुष्य जब सच्चाई पर चलता है तो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेता है। उसी तरह से ऐसा नहीं कि सारी दुनिया मांस ही का व्यापार कर रही है तो गुजारा चलता है, ये तो हमारे मनोबल की कमजोरी है, जो
कमजोरी मानसिंह के पास थी। यदि मानसिंह राणा प्रताप के विरुद्ध नहीं लड़ता तो अकबर कभी जीत नहीं सकता था और भारत का इतिहास कुछ और होता। लेकिन मानसिंह ने अपने छोटे से क्षुद्र स्वार्थ के लिए इस देश को गुलामी की जंजीरों में जकड़ा। इसलिए जब तक ये धरती रहेगी मानसिंह को देशद्रोही कहती रहेगी। हम यदि सत्यता पर अड़ गए तो क्या होगा? कुछ समय के लिए कष्ट तो आएंगे ना। कष्ट तो हर महापुरुष को झेलने पड़ते हैं। राम को झेलना पड़ा, कृष्ण को झेलना पड़ा, हरिश्चंद्र को झेलना पड़ा। यदि हम कठिनाई कष्टों से भागकर अधर्म के साथ जुड़ जाते हैं कि नहीं थोड़ा लाभ ही तो लाभ मिल जाएगा, शराब बेच लेने में क्या जो नुकसान है, हम थोड़े पीते हैं। कितने सुंदर साथ कि मैंने सुना है कि वो अच्छी चर्चा भी करते हैं, वाणी का ज्ञान भी रखते हैं, कई सुंदर साथ को उन्होंने तारतम भी दिया है, लेकिन अपने पतिदेव को खुश करना है तो मांस पकाने में उनको संकोच नहीं होता, क्योंकि पति परमेश्वर है, पति राज्य है उनके लिए। एक तरफ राज्य की वो बातें करेंगे बहने और मांस भी पका देंगे, तो इस तरह की मानसिकता कभी भी हमारी आत्मा को जागृत नहीं करेगी। हमें किसी भी स्थिति में इन चीजों से समझौता नहीं करना चाहिए। हम थोड़े से पैसों के लिए मांस का व्यापार, शराब का व्यापार, कैसियों का धंधा कभी ना करें। राज्य ने यदि पेट दिया है तो भोजन भी देंगे। हाँ, हमारी नियत अच्छी होनी चाहिए। नीति और नियत दोनों पवित्र हो तो पैसा तो पीछे पीछे चला आएगा। देखिए, एक भर्तृहरि ने बहुत अच्छी नीति की बात कही है, मैं आपको बताता हूँ कि लक्ष्मी हमारे पास कैसे आएगी। उत्साह संपन्न, उत्साह से संपन्न, अदीर्घ सूत्रम शीघ्र कार्य करने वाला, क्रियाविधिज्ञम कार्य की विधि को जानने वाला, व्यसने स्वशक्तम व्यसनों से आसक्ति न रखने वाला, सूरम बहादुर कृतज्ञम दूसरे के उपकार को मानने वाला, दृढ़ सहृदय और दृढ़ मित्रता पक्की मित्रता रखने वाला यदि कोई व्यक्ति है तो लक्ष्मी स्वयं याति निवास है तो उसके पास रहने के लिए लक्ष्मी चल कर आती है कि मुझे तुम्हारे पास रहना है। तो मनुष्य में अपने अंदर इन गुणों का विकास करना चाहिए, पाप कर्म नहीं करना चाहिए। आप कसाई खाना खोल कर, मैं आपको एक और बता दूं, एक सुंदर साथ का फोन आया, हमारे ट्रस्टी हैं, उन्होंने कहा कि स्वामी जी मुझे केवल एक कॉल करनी है और मिनिस्टर उसको कसाई खाने की मान्यता दे देगा, 1 करोड़ मिल जाएंगे। मैंने कहा कि 10 करोड़ भी उस पाप कर्म से मिलते हैं तो मुझे नहीं चाहिए। क्या करना था? क्यों मुझे हाँ करनी थी, ज्ञानपीठ को 1 करोड़ मिल जाता, 1 करोड़ का 1 अरब भी कोई देगा तो भी मैं नहीं। ज्ञानपीठ में गायें बूढ़ी बूढ़ी हैं, दूध नहीं देती हैं। मैंने कहा कि जो भी किसी को गाय देनी हो बछिया दो, ये बूढ़ी गायें जब तक यहाँ रहेंगी इनको यही मरना है, हम गेट से बाहर नहीं जाने देंगे। चाहे कोई कसाई 1 करोड़ भी एक बूढ़ी गाय को देगा तो भी हम उसको नहीं देंगे, क्योंकि उसने दूध दिया है, ज्ञानपीठ के बच्चों ने, मैंने उसका दूध पिया है और उसको दौलत से नहीं तो तोला जा सकता। यदि कसाई खाने का कोई व्यक्ति कहेगा कि हम 10 करोड़ एक बूढ़ी गाय को देंगे तो मैं उसके 10 करोड़ को फेंकवा दूंगा, लेकिन एक गाय की जिंदगी हमारे लिए 10 करोड़ से ज्यादा मायने रखती है। हमें सत्य और धर्म पर रहना चाहिए और इसी सच्चाई का कारण है कि ज्ञानपीठ आज से 17 साल पहले हमारे पास एक गिलास तक नहीं थे। चूल्हा खरीदे गए, रहने के कमरे खरीदे भाड़े पर लिए गए, आज ज्ञानपीठ के पास सब कुछ है। 1 करोड़ से ज्यादा का साहित्य छप चुका है, सब कुछ राज्य की कृपा से हो रहा है, ज्ञानपीठ की शाखाएं खुल रही हैं। तो धर्म धीरे धीरे बढ़ता है लेकिन वो अस्थाई होता है, अधर्म जल्दी जल्दी बढ़ता है। तो लोग सोचते हैं कि शराब बेच लो, कैसी हो चला लो, मांस बेच लो, कहीं से भी पैसा कमा लो, सुखी हो जाओगे। ऐसा नहीं, सुंदर साथ देश में रहे विदेश में रहे, कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए, अपनी आत्मा का सौदा नहीं करना चाहिए, अंतरात्मा की पुकार सुननी चाहिए। घूस लेकर या किसी भी तरीके से यदि धन बढ़ता है तो धन को अर्थ न समझे, अनर्थ समझे, क्योंकि वो घर में रहेगा।